जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सॉफ्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सौरभ और एक बार फिर से आपके साथ हूं एक और नई वीडियो को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, 5 मार्च से स्टार्ट हो चुके हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा के जो आपके जो एमपीटेट वर्ग 3 एग्जाम है, 5 मार्च से स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पर दोस्तों पहली शिफ्ट में जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा देखने को मिले हैं, ये अंतरिक्ष विज्ञान से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। लगभग दोस्तों 6 से 7 क्वेश्चन आपके अंतरिक्ष विज्ञान से 5 मार्च की पहली शिफ्ट में पूछे गए थे। और दोस्तों आने वाले दिनों में, आने वाली शिफ्टों में भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को कवर किया गया है, जिसमें अंतरिक्ष विज्ञान के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आती है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, ताकि यहां पर अपलोड की गई नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन है डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर विक्रम अम्बलाल साराभाई इनका पूरा नाम, ठीक है, डॉक्टर सतीश धवन, के सिवान या फिर राकेश शर्मा। तो देखिए, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, इसरो के प्रथम अध्यक्ष, ठीक है, इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे दोस्तों डॉक्टर विक्रम साराभाई, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। यही इन्हीं को दोस्तों जनक माना जाता है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का। इसरो के प्रथम अध्यक्ष भी डॉक्टर विक्रम साराभाई रहे, ठीक है। डॉक्टर सतीश धवन की बात करें तो इसरो के दूसरे अध्यक्ष रहे डॉक्टर सतीश धवन। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो दोस्तों वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं डॉक्टर के सिवान, ठीक है। के सिवान कौन है, तो वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। राकेश शर्मा कौन है, तो राकेश शर्मा भारतीय मूल के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अंतरिक्ष में गए थे। अमेरिका के एजेंसी नासा के, नासा ने इन्हें अंतरिक्ष में भेजा था, ठीक है। कब गए थे, तो 1984 में गए थे। ये था दोस्तों पहला क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लिखा हुआ है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई, तो दोस्तों भारत में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत 1963 में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत हुई। और जो इसरो है, इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो इसरो की स्थापना सन 1969 में, 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला है, इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई। इसरो में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र की, इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 15 अगस्त 1969 को, 15 अगस्त 1979 को, 15 अगस्त 1962 को, या फिर 1972 को। दोस्तों इसरो की स्थापना कब हुई थी, 1969 में, 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का फुल फॉर्म होता है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष विभाग एवं अंतरिक्ष आयोग का गठन कब किया गया। अंतरिक्ष विभाग एवं अंतरिक्ष आयोग का गठन कब किया गया, तो अंतरिक्ष विभाग एवं अंतरिक्ष आयोग का गठन 1972 में किया गया, जिसमें दोस्तों इसरो को किसके अंतर्गत रखा गया, तो इसरो को अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत रखा गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 1972 में अंतरिक्ष विभाग और अंतरिक्ष आयोग का गठन हुआ, इसरो को अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत रखा गया, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी तकनीक से विकसित, स्वदेशी तकनीक से विकसित या फिर निर्मित प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा था, तो स्वदेशी तकनीक से निर्मित प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा था, दोस्तों आर्यभट्ट था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आर्यभट्ट स्वदेशी तकनीक से निर्मित प्रथम भारतीय उपग्रह था, या फिर सैटेलाइट था, इसे हम कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है, दोस्तों केरल में स्थित, तिरुवनंतपुरम केरल में, केरल की जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम, यहीं पर स्थित है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र दोस्तों कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है श्रीहरिकोटा में, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। सतीश धवन कौन थे, तो इसरो के दूसरे अध्यक्ष थे सतीश धवन, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, भारत के पहले मानव युक्त मिशन को क्या नाम दिया गया है। भारत के
पहले मानव युक्त मिशन को क्या नाम दिया गया था? ठीक है, तो यहाँ पर अंतरिक्ष मानव मिशन, चंद्रयान या गगन या फिर गगन मानव। तो भारत के पहले मानव युक्त मिशन को क्या नाम दिया गया था? गगनयान नाम दिया गया था। 19 जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, गगनयान। सन 2022 कब तक दोस्तों? 2022 में इसरो का क्या है, इसरो का अंतरिक्ष में मानव को भेजने का प्लान है 2022 में, जिसे नाम दिया गया है गगनयान। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला है, इसरो द्वारा गगनयान मिशन का प्रक्षेपण प्रस्तावित है। तो इसरो द्वारा गगनयान मिशन का प्रक्षेपण जो प्रस्तावित है 2022 में है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 2022। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र या फिर नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, ठीक है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर अंतरिक्ष विभाग कहाँ पर स्थित है? इसका काम क्या होता है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर का? तो देखिए, जो सैटेलाइट होती है, सैटेलाइट से जो डाटा भेजा जाता है, इस भेजे डाटा को क्या करता है, ये रिसीव करता है। ठीक है, यहाँ पर बड़े बड़े एंटीना लगे होते हैं, छतें लगी होती हैं, जो सैटेलाइट के द्वारा डाटा सेंड किया जाता है, उस डाटा को रिसीव करता है ये राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र या फिर नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये स्थित है हैदराबाद में। कहाँ पर? हैदराबाद में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जो भारत का नवगठित राज्य तेलंगाना, कब स्थापना हुई थी तेलंगाना की? तो 2 जून 2014 को तेलंगाना की स्थापना हुई थी। इसकी राजधानी हैदराबाद और यहीं पर स्थित है दोस्तों नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। और आपको बता दूं कि यह वीडियो अभी मैं हैदराबाद से ही रिकॉर्ड कर रहा हूं और अभी हैदराबाद में ही हूं। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों जहां पर मैं अभी हूं, यहां से 50 किलोमीटर दूर स्थित है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। अगर मैं उस साइड जाऊँगा, उस साइड यदि जाना होता है, तो यहां का दोस्तों यदि परमिशन होगी तो एक ब्लॉग आपको चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, जहाँ रिमोट सेंसिंग सेंटर है, किस प्रकार से रिमोट सेंसिंग सेंटर है, किस प्रकार से बड़े बड़े एंटीना वहाँ पर लगे होते हैं जो डाटा को रिसीव करते हैं। ठीक है, यदि उस साइड जाना होता है तो यहाँ का आपको एक ब्लॉग जरूर मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, हैदराबाद। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला है, इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो बेंगलुरु कर्नाटक, हैदराबाद तेलंगाना, मुंबई महाराष्ट्र या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसरो का जो है मुख्यालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों? बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बेंगलुरु में। ठीक है, कहाँ पर स्थित है इसरो का हेडक्वार्टर? बेंगलुरु में स्थित है। स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर के सिवान वर्तमान अध्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है, भारत के प्रथम चंद्र मिशन का क्या नाम था? भारत के प्रथम चंद्र मिशन का क्या नाम था या फिर है? तो भारत का जो प्रथम चंद्रयान था, कब यह ऐसे किया गया था प्रक्षेपित? तो 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान वन के नाम से इसे हम जानते हैं, चंद्रयान वन, ठीक है, के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है, भारत के पहले चंद्र मिशन के लिए चंद्रयान वन का प्रक्षेपण कब किया गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान वन का प्रक्षेपण किया गया था। और इसी ने सबसे पहले बताया था, इसी ने संभावना जताई थी कि चंद्रमा पर पानी मौजूद है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, भारत ने ही सर्वप्रथम चंद्रमा पर पानी की खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है, विश्व का प्रथम चंद्र अभियान किस देश द्वारा शुरू किया गया था? विश्व का प्रथम चंद्र अभियान किस देश द्वारा शुरू किया गया? तो यह शुरू किया गया था दोस्तों अमेरिका के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अमेरिका। अमेरिका के जितने भी अपोलो मिशन है, ठीक है, अपोलो मिशन है, ये सभी चंद्रयान से संबंधित है और अमेरिका ने ही सबसे पहले चांद पर मानव भेजा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य ने पहली बार चंद्रमा की सतह पर किस मिशन के माध्यम से अपने कदम रखे थे? मनुष्य ने पहली बार चंद्रमा पर किस मिशन के माध्यम से अपने कदम रखे? तो ये रखे दोस्तों अपोलो 11 मिशन के माध्यम से, अमेरिका का ये मिशन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत द्वारा चंद्र मिशन चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण कब किया गया था? भारत द्वारा चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण कब किया गया था? तो दोस्तों देखिए, कब किया गया था चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 22 जुलाई 2019 को। ठीक है, 22 जुलाई 2019 को इसे प्रक्षेपित किया गया था। और ये जो था, ये पहले निर्धारित किया गया था कब इसे 16 जुलाई को प्रक्षेपित किया जाना था, लेकिन कुछ खराबी आ जाने के कारण इसे 22 जुलाई 2019 को 15 जुलाई को किया जाना था। ठीक है, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाने के कारण कब किया गया? 22 जुलाई 2019 को किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है, चंद्रयान 2 में लैंडर का नाम क्या रखा गया था? चंद्रयान 2 में लैंडर का नाम क्या रखा गया था? तो जो चंद्रयान 2 है, 22 जुलाई 2019 को प्रक्षेपित किया गया था। इसमें देखिए, इसमें तीन भाग थे, एक तो था आपका क्या ऑर्बिटर,
ऑर्बिटर जो चांद की कक्षा के चक्कर लगाने थे जैसे, ठीक है, चांद को ऑर्बिट करना था, ऑर्बिटर था। दूसरा था दोस्तों विक्रम, जिसका काम था चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग, ये चांद की सतह है, ठीक है, विक्रम के माध्यम से क्या करती है, चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी, ठीक है। और तीसरा था दोस्तों रोवर, ठीक है, तो रोवर का क्या नाम था, यहाँ पर प्रज्ञान नाम था। रोवर का क्या नाम था दोस्तों, प्रज्ञान नाम था। ये सभी आप याद रखने, एक ऑर्बिटर था, ठीक है, दूसरा जो लैंडर था, लैंडर का क्या नाम था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए विक्रम जो है इसका सही ना, जो है इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विक्रम, ठीक है। लैंडर का क्या नाम था, विक्रम था। और रोवर का क्या नाम था, जिसे विक्रम से निकल के चांद पर कुछ दूरी तय करनी थी रोवर को, और चांद के सैंपल कलेक्ट करके क्या करने थे, सैंपल को पृथ्वी तक उन्हें पहुंचाना था सैंपल्स को, ठीक है, तो उसका नाम था प्रज्ञान। तो ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है, अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर पहला कदम कब रखा था। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर पहला कदम कब रखा था, ठीक है, तो ये कब गए थे चांद पर, देखिए, तो यहां पर दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 20 जुलाई 1969 को, जब भारत में अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत हो रही थी, कह सकते हैं जब इसरो की स्थापना हुई थी, तब अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा चांद पर मानव भेज चुका था, ठीक है। तो यहाँ पर 1969 में, 20 जुलाई 1969 को नासा के द्वारा चांद पर मानव भेजा गया, जिनका क्या नाम था, नील आर्मस्ट्रांग। और नील आर्मस्ट्रांग के साथ एक और व्यक्ति था, उसका क्या नाम था, तो उसका नाम था दोस्तों बज एल्ड्रिन, ठीक है, नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन, ये दो व्यक्ति थे जो सर्वप्रथम कहाँ पर गए थे, चांद पर गए थे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है, भारत उपग्रह भेदी मिसाइल ए सेट, ठीक है, भारत ने उपग्रह भेदी मिसाइल ए सेट दागने की क्षमता वाला विश्व का कौन सा देश बन गया है। तो देखिए भारत, ये है क्या ये सेट, तो ए सेट देखिए बेसिकली क्या है दोस्तों, एक मिसाइल सिस्टम है, ठीक है, जो क्या कर सकता है, अंतरिक्ष में कोई भी जो सैटेलाइट है, यदि वह ये मान के चलते हैं पृथ्वी है, ठीक है, और पृथ्वी के इर्द गिर्द क्या कर रही है, कोई सैटेलाइट यहाँ पर चक्कर लगा रही है, ठीक है, तो ये एक ऐसी मिसाइल होगी जो इस सैटेलाइट को भेद सकती है, ठीक है, सैटेलाइट को गिरा सकती है, उसे नष्ट कर सकती है, उस पर निशाना साध सकती है, ठीक है। तो कौन सा देश बन गया है, ये चौथा देश बन गया, अमेरिका, रूस और चीन के बाद में भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन गया है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, अंतरिक्ष में इसका क्या नाम था, तो मिशन शक्ति, क्या, मिशन शक्ति के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था, तो सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे, राकेश शर्मा थे। राकेश शर्मा 1984 में अंतरिक्ष में गए थे अमेरिकी एजेंसी नासा की तरफ से। कल्पना चावला प्रथम भारतीय, ये देखिए सब भारतीय मूल के हैं, ठीक है, चाहे राकेश शर्मा की बात करें तो ये भारतीय मूल के अमेरिकी हैं, कल्पना चावला भी भारतीय मूल की अमेरिकी हैं, कब गई थी, 2003 में गई थी, और इन्हीं के साथ इंसिडेंट हुआ था, इनका जो लैंडर था पृथ्वी पर लैंड करने से पहले मात्र 16 सेकंड पहले इसमें बड़ा धमाका हो गया था, जिसमें कल्पना चावला के साथ इनके 14 और मेंबर थे, 14 और साथी थे, जिन इन सभी की क्या हो गई थी, जान उसमें चली गई थी, ठीक है। तो कल्पना चावला प्रथम भारतीय मूल की महिला थी। सुनीता विलियम अभी हाल ही में कुछ साल पहले अंतरिक्ष में गई थी, ये भी भारतीय मूल की अमेरिकी हैं। यूरी गागरिन कौन थे, तो यूरी गागरिन जो थे रूस के प्रथम व्यक्ति थे अंतरिक्ष में जाने वाले, ठीक है, विश्व के। अगला क्वेश्चन है, विश्व में अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है, विश्व में अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है, तो देखिए ऑप्शन ए है मेरी यूरी गागरिन, तो प्रथम व्यक्ति कौन थे, यही थे यूरी गागरिन जो थे, ये रूस के थे लेकिन विश्व के प्रथम ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अंतरिक्ष में पहुंचे थे। अगली है वैलेंटिना तेरेस्कोवा, ठीक है, तो यह रूस की ही महिला थी जो कि पहली महिला थी अंतरिक्ष में जाने वाली। लाइका कौन थी, लाइका एक कुत्ते का नाम था जिसे अंतरिक्ष में भेजा गया था यह पता करने के लिए अंतरिक्ष में कोई जीव जो है वह सर्वाइव कर सकता है, जीवित रह सकता है या नहीं, ठीक है। राकेश शर्मा कौन थे, तो इनके बारे में हम बात कर चुके हैं, भारतीय मूल के पहले व्यक्ति थे अंतरिक्ष में जाने वाले, ठीक है, तो सभी को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला पहला देश कौन सा था, तो कौन सा था दोस्तों, अमेरिका था, हम सभी जानते हैं, नील आर्मस्ट्रांग, बज एल्ड्रिन 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मिसाइल कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है, तो भारतीय मिसाइल कार्यक्रम
क्रम का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारतीय मिसाइल कार्यक्रम का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा है? भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा है? ये दोस्तों याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन 100% एग्जाम में बनेगा किसी न किसी चैप्टर में, ठीक है। तो भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा है? एप्पल, ठीक है, APPLE एप्पल। एप्पल क्या है? भारत का प्रथम संचार उपग्रह है, ठीक है। आर्यभट्ट भारत द्वारा निर्मित स्वदेशी तकनीक से निर्मित प्रथम उपग्रह है भारत का, ठीक है, ये याद रखना है। रोहिणी मेट सेट को भी पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन सा है? भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन सा है? तो देखिए, भारत का पहला मौसम उपग्रह मैट सेट है, ठीक है। मैट सेट मौसम से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, एम फॉर मौसम, एम फॉर मॉइस्चर या फिर एम फॉर मैटसेट। तो ये मैटसेट जो है भारत का प्रथम मौसम उपग्रह है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो देखिए, भारत का जो प्रथम कृत्रिम उपग्रह था ये कौन सा था दोस्तों? आर्यभट्ट, ठीक है, ऑप्शन में नहीं है ये, लेकिन भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है, एजुसेट है, एजुसेट क्या है? संचार उपग्रह, शिक्षा उपग्रह। तो देखिए, एजुसेट एजुकेशन, EDUCATION एजुकेशन, ठीक है, तो इसी एजुकेशन से लिया गया है एजु, और एजुसेट हो जाता है भारत का प्रथम शिक्षा कार्य हेतु जो है प्रक्षेपित किया गया उपग्रह। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये एजुकेशन एक ऐसा वर्ड है, ये आपको याद रखना है, पता होना चाहिए। एजुकेशन एक ऐसा वर्ड है जिसमें इंग्लिश के पांचों वर्ड यहाँ पर आते हैं, ठीक है, यू हो गया, ए हो गया, आई हो गया, ओ और ई, पांचों यहाँ पर क्या आते हैं, वर्ड इसमें आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्कर सोलर प्रोब का क्या उद्देश्य है? पार्कर सोलर प्रोब का क्या उद्देश्य? तो पार्कर सोलर प्रोब है क्या? तो दोस्तों, अमेरिका द्वारा यह प्रक्षेपित किया गया एक सूर्य जो है, ऐसे कह सकते हैं, एक ऑर्बिटर है, एक उपग्रह है जो सूर्य का पहला कृत्रिम उपग्रह होगा, ठीक है। इसका कार्य क्या है? तो सूर्य की कक्षा के सबसे नज़दीक जाना, सूर्य की कक्षा के सबसे नज़दीक जाना, और जो इसने अभी हाल ही में 2021 में कर दिखाया है, ठीक है। यह सूर्य के सबसे नज़दीक गया था और उसका जो टेम्परेचर था, उसका जो ऊपरी भाग का टेम्परेचर था, इस ऊपरी भाग के टेम्परेचर को इसने क्या किया था, मेजर किया था, ठीक है। और सबसे नज़दीक जाने के बाद में यह कहाँ पर चला गया? तो सूर्य के अंदर ही पहुँच गया, जहाँ पर यह बहुत करीब जाने के बाद में जल गया, ठीक है। तो क्या था ये? सूर्य का अध्ययन करने के लिए इसे क्या किया गया था? उद्देश्य बनाया गया था, ठीक है, अमेरिकी एजेंसी नासा के द्वारा। तो ये थे दोस्तों क्वेश्चन। इसके अलावा दो और यहाँ पर अदर क्वेश्चन है, तो इन्हें आप देख सकते हैं। चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? फ्लैग हो जाएगा, जो चूहों के द्वारा फैलता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थे अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके अलावा दो और प्रश्न आपको याद रखने हैं। एक है आपका PSLV का फुल फॉर्म, ठीक है, PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है और GSLV का फुल फॉर्म क्या होता है और ये है क्या? तो PSLV और GSLV क्या है? ये सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, इनके द्वारा क्या किया जाता है? सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है, ठीक है। PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसे आप नोट करके रख सकते हैं, ये पूछा जाएगा आने वाले दिनों में, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और GSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? तो GSLV का भी आपको फुल फॉर्म याद रखना है, इसका जो फुल फॉर्म होता है जियोसिंक्रोनियस, ठीक है, जियोसिंक्रोनियस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। तो ये थी दोस्तों वीडियो, कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, इसी प्रकार की वीडियोज़ मिलती रहेंगी। वेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, ताकि यहाँ पर अपलोड की गई नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।